खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर ताजिर और पुलिस आमने सामने आ गए। हाथापाई और लड़ाई मार कुटाई के बाद ताजिरों और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में मुजाकरात जारी हैं, जिसमें एफपीआर की टीम भी मौजूद है। ताजिर बरादरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। अपने तहफ़ुज़ात ख़त्म होने तक, दूर होने तक वो यहाँ पर धरना दिए बैठे रहेंगे। मुख्तलिफ ताजिर बरादरी की जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा गया है। तहम एफपीआर की नुमाइंदा टीम यहाँ पर पहुँची है और मुजाकरात का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी इस मुजाकरात में मौजूद हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल सरीना चौक पर क्या है और मुजाकरात में कुछ पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया गया है? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस वक्त जो मुजाकराती टीम है वो अंजमन ताजरा के नुमाइंदों के साथ मुजाकरात कर रही है, जबकि जो ज़िला इंतजामिया है उसके नुमाइंदे भी मुजाकरात में शरीक हैं। इस वक्त अंजमन ताजरा की काल के ऊपर जो ताजर बिरादरी है वो सरीना चौक के ऊपर धरना दे के बैठी हुई है और भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त जो ताजरिया उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि पहले भी आप लोगों ने जो है एहतजाज किया था मुतालबात एफबीआर के सामने रखे थे, तो क्या वजह है कि पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के ताजर जो है सरापा एहतजाज हैं। जहां तक एफबीआर की आपने बात की है, एफबीआर जो है ना लॉलीपॉप दे देता है फ्लेवर चेंज करके। मुतअद्दिद बार हमारी जो है हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनकी मीटिंग हुई एफबीआर से, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो सिंसियर ही नहीं है इन मुतालबात को जो है मानने में या इन हालात को ठीक करने में। मैं नहीं समझता कि जो है ना इस वक्त ये क्या चाहते हैं ताजरों से, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। कोई ऐसा ताजर नहीं है जो टैक्स नहीं देना चाहता, हर ताजर टैक्स देना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं कि उस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए जो डॉक्यूमेंटेशन का है, जो मुझ समेत जो है अनपढ़ जो हमारे ताजर हजरात हैं वो उस डॉक्यूमेंटेशन को नहीं कर सकते। दूसरा जो है आईडी कार्ड की जो शर्त है वो ख़त्म किया जाए। आप मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, ताजर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजर चलता है तो मुल्क चलता है, जब ताजर रुक जाएगा तो ये मुल्क रुकेगा। आज जो है हमारे ताजर कम्यूनिटी जो है यहाँ से जो है दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहे हैं, कुछ ईरान में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि क्यों इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है पहली दफा फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जो है आपने 35% लगा दिया है। क्या आप मुल्क के निजाम को बेहतर नहीं करना चाहते? पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पर फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया गया, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 200% लगा दिया। लेकिन शनाख्ती कार्ड की शर्त इतनी क्या मसला है, आप लोग शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं देना चाहते? देखें, आईडी कार्ड जो है मैं समझता हूं कि हर ताजर, देखें आईडी कार्ड एक अगर सिम लेता है तो उसके साथ भी हम आईडी कार्ड देते हैं, अगर कोई भी चीज़ है उसमें आईडी कार्ड देने में हर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो आप कर रहे हैं कि आईडी कार्ड के साथ, उस डॉक्यूमेंटेशन भी आपने करनी है। जो हमारे ताजर हजरात हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि जो छोटे ताजर हैं उनके लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए। अगर आप 2 लाख रुपया लेते हैं तो उससे 2.5 लाख लें, 2.5 लाख नहीं लेते 3 लाख दें, लेकिन फिक्स टैक्स लें। एफबीआर से हमारी जान छुड़ाई जाए। अगर हमारा ताजर 1 लाख टैक्स देता है तो 3 लाख रुपया रिश्वत दे रहा है एफबीआर को। हमारी उससे ताजरों के यहाँ पर तहफ़ुज़ात बरकरार हैं, देखना यह है कि मुज़ाकरात किस हद तक नतीजा खेज होते हैं। वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो हर शहर में धरना देंगे। हुकूमत हमें मुसीबत में डालकर क्यों मसला हल करना चाहती है? हुकूमत टैक्स रिटर्न फॉर्म को क्यों आसान नहीं बना रही? देखिए, शनाख्ती कार्ड है, हमने आज एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया है, पूरे पाकिस्तान से ये ताजर नुमाइंदे आए हैं। हम अगला काम भी कर सकते हैं, तो हर शहर में बैठ जाएंगे इसी तरह चौक में। हम कहते हैं कि हमें मुसीबत में डाल के क्यों मसला हल होगा यार, पहले क्यों नहीं हो जाता है? इस एफबीआर से हमने 5-10 मीटिंगें की हैं, तो इनको चाहिए हमारा मसला हल कर लें यार, इतना मुश्किल नहीं है। मसला सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड का नहीं है। एक आम दुकानदार को आप कहते हैं 12 रिटर्न उस टेक्निकल फॉर्म पे जो पाकिस्तान का मिनिस्टर भी नहीं भर सकता है, जो इतना टेक्निकल है, क्यों नहीं कोई उर्दू, कौमी जबान हमारी उर्दू है, उर्दू का फॉर्म हो, मुझे पता हो मैंने इतना टैक्स देना, जमा करा के घर आ जाऊँ। और गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के खिलाफ भी एफबीआर ने शिकंजा तैयार कर लिया। लाहौर के 300 ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सेल्स टैक्स नेट में शामिल होने के लिए उन्हें
15 दिन की मोहलत दी गई है। ताजरों के बाद अब गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के खिलाफ भी FBR ने शिकंजा तैयार कर लिया है और 300 ज्वेलर्स को नोटिसेस भी जारी कर दिए गए हैं। सेल्स टैक्स नेट में शामिल होने के लिए उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सेल्स टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ चुकी है। दहशतगर्दी की कैटेगरी में पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर आ गया है। मौशी इस्तेहकाम की दर्जा बंदी में 13 दर्जे तनजरी हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आलमी मुसाबकती रिपोर्ट भी जारी कर दी है। वकास अदीन की रिपोर्ट इसी हवाले से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बैनुल अक्वामी मसाबकती दर्जा बंदी की रिपोर्ट 2019 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन वाकयात में पाकिस्तान का नंबर 99 से 101 तक जा पहुंचा। दहशतगर्दी वाकयात में पाकिस्तान का नंबर 140 से गिरकर 141 हो गया। अदालती आज़ादी में पाकिस्तान का नंबर 70 से बढ़कर 63 हो गया, जबकि मुनज्जम जरायम वाकयात में पाकिस्तान का नंबर 121 से बढ़कर 112 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मसाबकती इंडेक्स में 141 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 110 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 93 से गिरकर 105 हो गया। IT टेक्नोलॉजी इख्तियार करने में पाकिस्तान का नंबर 127 से गिरकर 131 हो गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 107 से गिरकर 116 हो गया। सेहत की सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 109 से गिरकर 115 हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की लेबर मार्केट की कारकर्दगी एक दर्जा बेहतरी के बाद 120 हो गई है। साजगार कारोबारी माहौल के लिहाज से पाकिस्तान की 15 पॉइंट्स की बेहतरी हुई और 141 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 52वें नंबर पर आ गया। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अपडेट करेंगे आपको, बिजली की कीमतों में 13 पैसे फी यूनिट कमी की जा चुकी है। बिजली की कीमतों में कमी महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इस कमी का इतलाक रवा माह बिजली के बिल्स में किया जाएगा। नेप्रा ने कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि बिजली की कीमतों में 13 पैसे फी यूनिट कमी की जा चुकी है, जिस हवाले से नेप्रा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में कमी महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। कमी का इतलाक रवा माह बिजली के बिल्स में किया जाएगा। नेप्रा ने इस कमी के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में 13 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। दूसरी जानिब आगरा ने LNG की कीमत में इजाफा कर दिया है और इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए टैरिफ में 0.65 फी MMBTU इजाफा हुआ है। सुई सदरन के लिए 0.69 डॉलर फी MMBTU इजाफा किया जा चुका है और इसी हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगरा ने LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। सुई नॉर्दर्न के लिए टैरिफ में 0.65 फी MMBTU इजाफा किया जा चुका है। सुई सदरन के लिए 0.69 डॉलर फी MMBTU इजाफा किया गया है। के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 29 अक्टूबर को सऊदी अरब जाने का इम्कान। इमरान खान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने दी है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 29 से 31 अक्टूबर तक रियाद में होगी, जबकि ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत की दावत उनको भी दी जा चुकी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 29 अक्टूबर को सऊदी अरब जाएंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इमरान खान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने दी है, जबकि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 29 से 31 अक्टूबर तक रियाद में होगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के है। पेशावर और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.2, गहराई 180 किलोमीटर और मरकज हिंदू गश्त था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.2, जबकि गहराई 180 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदू कश था।
अपडेट कर रहे हैं आपको, पिशावर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.2, गहराई 180 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदूकश बताया जा रहा है। सदादे मनशिया स्मगलिंग केस में राणा सनाउल्ला के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसी कर दी गई है। वकील कहते हैं कि अदालत ना हो तो ये लोग हमें कच्चा खा जाएंगे। दौरान समाअत राणा सनाउल्ला के वकील आजम नजीर तारर ने अपने दलाइल में कहा कि फुटेजेज महफूज कर ली गई हैं और हमारा अंदेशा खत्म हो गया। बैग निकालने और मनशियात बरामद करने की तमाम स्टोरी झूठी है। रूट हमारे पहले मौकिफ को सपोर्ट करता है। वीडियो देखने के बाद राणा सनाउल्ला का मौकिफ सच साबित हुआ है। राणा सनाउल्ला के वकील फरहाद अली शाह ने दलाल दिए कि इस मुल्क में अदालतें ना हो तो ये लोगों को कच्चा खा जाए। राणा सनाउल्ला के वकील ने कहा कि ये बशीर बूटा गामा नहीं है, ये रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी उसमें मुलजिम नजर नहीं आ रहा। इस दौरान प्रोसिक्यूटर एंटी नार्कोटिक्स और राणा सनाउल्ला के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी के रिकॉर्ड ने मेरे मौकिफ को दुरुस्त साबित किया है। शहरी आराफीदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। रिकॉर्ड से ये बात साबित हो गई है। अब शहरयार अफरीदी को कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, उसे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगना चाहिए। राणा सनाउल्ला ने कहा कि कारकुन पार्टी के फैसले की रोशनी में आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करें। और सेफ सिटी अथॉरिटी ने राणा सनाउल्ला केस में फुटेज अदालत में फराहम कर दी। फुटेज स्पेशल कोर्ट एंटी नार्कोटिक्स की हिदायत पर जमा करवाई गई है। सेफ सिटी लीगल टीम ने अदालत में पेश होकर फुटेज की कॉपियां जमा करवाई। सेफ सिटी के तर्जुमान का कहना है कि अथॉरिटी केस में अदालत की मावनत कर रही है। राणा सनाउल्ला केस में सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से फुटेज अदालत को फराहम कर दी गई है। ये फुटेज स्पेशल कोर्ट एंटी नार्कोटिक्स की हिदायत पर जमा करवाई गई है। सेफ सिटी लीगल टीम ने अदालत में पेश होकर फुटेज की कॉपियां जमा करवाईं और सेफ सिटी तर्जमान का इस बारे में कहना है कि अथॉरिटी केस में अदालत की मावनत कर रही है। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। केस की समाअत के मौके पर लोगों की मरियम नवाज के साथ सेल्फीज पर जज बरहम हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को अदालत के रूबरू पेश किया गया। पेशी के मौके पर अदालत में मौजूद लोगों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां लेना शुरू कर दी, जिस पर अदालत के जज जवादुल हसन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और तमाम लोगों को मोबाइल फोन बंद करने का हुक्म दिया। जज एहतसाब अदालत ने मरियम और यूसुफ अब्बास को रोस्टरम पर तलब किया, तहम मरियम नवाज के साथ रोस्टरम पर रश होने पर उन्हें बैठने की हिदायत कर दी। अदालत के बार बार मना करने पर लीगी कारकुनान ने अदालत में शोर शराबा भी किया। मरियम नवाज के वकला ने साइड रूम में उनके साथ मुलाकात भी की। अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी और उन्हें 23 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन के वफद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मुलाकात का हवाला आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इसी हिमायत के ऐलान के सिलसिले में पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन के वफद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और इसी मुलाकात के दौरान पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आज़ादी मार्च की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। 9 साल बाद पुलिस के महकमे में भर्तियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस में 1260 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं पिछले 9 साल से इस्लामाबाद की आबादी 2 गुना 3 गुना हो गई, लेकिन पुलिस वालों के लिए वैकेंसीज नहीं थी। 9 साल बाद आफ्टर 9 ईयर्स अभी हम 1260 आदमी हैं जो हम भर्ती कर रहे हैं, ठीक है ना जी। द प्रोसेस स्टार्ट हो गया इन स्पाइट ऑफ दिस कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिर भी इनको 1260 वैकेंसियां दी गई और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है इम्प्रूव होएगी। मोदी गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर, इंशाल्लाह ताला होपफुली जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने
جو بھی انیشیٹو لیے ہیں ڈپلومیٹک، اس کی وجہ سے مجھے بڑی ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ان دا نیئر فیوچر وہاں سے کرفیو شرفیو جو ہے اٹھ جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے۔ میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے، مجھے خود بھی لگتا ہے، بیکاز دس از اے سوئسائڈ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 27 اکتوبر 1947 دی انڈین دے اینیکسڈ آزاد مقبوضہ کشمیر۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کو لنگر خانے نہیں کارخانے چاہیے، ایشیا میں پاکستان مہنگائی میں دوسرا ملک ہے، حکمران خیالی دنیا بنا رہے ہیں، موجودہ حکومت کا ہر دن پہلے سے بدتر ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کو لنگر خانے نہیں کارخانے چاہیے، ایشیا میں پاکستان مہنگائی میں دوسرا ملک ہے، حکمران خیالی دنیا بنا رہے ہیں، موجودہ حکومت کا ہر دن پہلے سے بدتر ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کو آرڈیننس پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پارلیمان کو بے توقیر اور آئین کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جائے، نیب کا قانون صرف سیاستدانوں کے لیے ہے، حکومت احتساب کی بات کرتی ہے تو احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ جو ہے وہ ایسے ڈگر پہ لے جائے جا رہے ہیں جہاں پہ پارلیمان جو ہے وہ بالکل بے توقیر ہو گیا ہے، اور جو آئین ہے اس کو سمجھیں کہ ان ابیئنس ایک سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، حکومت جو ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے چل رہی ہے، اور جو گفتگو احتساب کی ہو رہی ہے، احتساب بالکل ہونا چاہیے، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، احتساب جو ہے اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے اور کوئی اس میں ہولی کاؤز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے جوڈیشری جو ہے وہ 209 کے تحت اپنا احتساب خود کرتی ہے، سول ملٹری بیوروکریسی اپنا احتساب خود کرتی ہے، تو پھر صرف اور صرف نیب کا قانون سیاستدانوں کے لیے رہ جاتا ہے اور کسی کے لیے۔ فواد چودھری نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو تحریری جواب کے لیے وقت دے دیا، دوران سماعت فواد چودھری بولے کہ پروگرام میں بیٹھ کر گالی دی گئی، کیا ہماری عزت نہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس کے لیے آپ پارلیمنٹ میں کوئی فورم بنائیں۔ احتشام کیانی کی رپورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے فواد چودھری کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی، دوران سماعت فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وہ درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل دینا چاہتے ہیں، میری بیوی اور بیٹی کی تصاویر ٹی وی پر چلائی گئیں، ان کے خلاف پروگرام کیے گئے، سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے۔ فواد چودھری نے استدعا کی کہ عدالت جرمانہ لگا کر کیس کو ختم کرے تاکہ پھر بلیک میلنگ نہ ہو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسے کیسز پر پروگرام کرنا تو غیر مناسب بات ہے، سمیع صاحب کیا اچھا نہ ہو کہ یہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں، سیاسی کیسز عدالت میں آتے ہیں تو عدالت کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ درخواست گزار سمیع ابراہیم کا کہنا تھا کہ اس ملک میں وفاقی وزیر ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے کسی کو مکہ مارے تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی، یہ ہمیں بلیک میلر کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود کرپٹ ہیں۔ عدالت نے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر سندھ بھر میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، 14 اکتوبر کو صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کے تحت اداروں اور سرکاری اور غیر سرکاری درسگاہیں بند رہیں گی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر سندھ بھر میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، 14 اکتوبر کو صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کے تحت اداروں اور سرکاری اور غیر سرکاری درسگاہیں بند رہیں گی، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کہ لاڑکانہ میں PS 11 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد سومرو کے کیمپ پر مخالفین نے حملہ کر دیا۔ جی ڈی اے کے کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی کیمپ پر موجود کارکنان کو زد و کوب، جبکہ کرسیاں اور ٹینٹ بھی اکھاڑ دیے۔ لاڑکانہ کا یہ واقعہ ہے جہاں PS 11 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد سومرو کے کیمپ پر مخالفین نے حملہ کر دیا۔ جی ڈی اے کے کارکنوں نے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں موجود کارکنوں کو زد و کوب کیا، کرسیاں اور ٹینٹ بھی اکھاڑ دیے گئے، اور اس دوران خاصی ہاتھاپائی بھی دیکھنے میں آئی۔ لاڑکانہ میں PS 11 کا یہ واقعہ ہے جہاں پر کارکنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے 22 افسران کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی ہے، شکیل احمد کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ڈائریکٹر اسٹیٹ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے، تبدیلیاں کی گئی ہیں، طارق حسین کو گریڈ 18 میں ترقی دی گئی ہے، ڈپٹی ایم ڈی
LWMC तायुनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि 22 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। शकील अहमद को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डायरेक्टर स्टेट लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी तायुनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मजहर इकबाल, हुसैन खालिद, जुल्फिकार भोन, हैदर अब्बास बट्टू की भी तरक्की हो गई है। इसके अलावा हामिद नासिर, मोहम्मद आजम, वकार अहमद, इमरान असमत, इरशाद भट्टी, फहद वकार अजीम की भी ग्रेड 18 में तरक्की हो गई है। इम्तियाज अहमद खिची को डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तायुनात कर दिया गया है। तारिक हुसैन को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डिप्टी MD LWMC तायुनात किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 22 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी है। शकील अहमद को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डायरेक्टर स्टेट लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी तायुनात कर दिया गया है। उधर विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरर और तबादलों का सिलसिला जारी है। इफ्तखार अहमद को जॉइंट सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन और सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मोहम्मद सलीम को डिप्टी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन डिवीजन तायुनात कर दिया गया, जबकि एहसानुल हक की खदमात फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स के सपोर्ट कर दी गई हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप सलीम शहजाद को डिप्टी सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का चार्ज दिया गया है। महकमे एक्साइज सिंध में भी उकाड़ पिछाड़ हुई है। विलायत अली जतोई को एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन लाड़काना और जुल्फिकार अली को एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन शहीद बेनजीराबाद लगा दिया गया है। समीना भुट्टो को एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन कराची, नासिर अफंदी को एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन एडमिन कराची तायुनात किया गया है, जबकि शबाना परवेज को एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन कराची लगा दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरर और तबादलों का सिलसिला जारी है और कई अफसरान की उखाड़ पिछाड़ की गई है, जिसके बाद इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पेमरा मिर्जा मोहम्मद सलीम बेग की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात हुई है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात कराची में PBA के दफ्तर में हुई, जिसमें पेमरा हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और आइंदा के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन पेमरा मिर्जा मोहम्मद सलीम बेग की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात हुई है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात कराची में PBA के दफ्तर में हुई, जिसमें पेमरा के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत की गई और तबादला ख्याल किया गया है। रावलपिंडी में डेंगू से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। हलाकतों की तादाद 43 हो गई। तीनों सरकारी अस्पतालों में मजीद 162 नए मरीज भी दाखिल हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 132 पुलिस एहलकार और अफसरान भी डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के जानलेवा हमले जारी। मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रावलपिंडी की बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जेर इलाज 48 साल के जाहिद और 50 साल के रशीद डेंगू के बायस इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद तरलाई के रिहायशी 24 साल के रशीद भी डेंगू बुखार के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 162 मरीज दाखिल हो गए हैं। अब तक मजमू तौर पर 5,850 से ज्यादा शहरी डेंगू का निशाना बन चुके हैं। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 400 से ज्यादा नए मरीज दाखिल हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 132 अफसरान और एहलकार भी डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। डेंगू वायरस कराची में खौफ की अलामत बनता जा रहा है। डेंगू वायरस का शिकार होकर 28 साल कुंवर जान बहक हो गई है। कराची में डेंगू वायरस तश्वीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता रोज डेंगू का शिकार होने वाली कमल लियाकत नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गई, जिसके बाद डेंगू से मरने वालों की तादाद 16 हो गई। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खादिम कुरैशी का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए एहतियात जरूरी है। घर में कोई पानी जमा है जो साफ नहीं किया, जैसे फर्क मेरा AC चल रहा है, AC के पीछे हमने वो जो पानी निकलता है उसको हमने होना ही चाहिए, उसको बार बार चेंज करना चाहिए, फेंकना चाहिए। तो हम अपनी अनइंटेंशनली मतलब अपनी
غیر توجہ کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ سندھ بھر میں ڈینگی کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 119 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے، جبکہ سندھ کے دیگر اضلاع سے 24 گھنٹوں کے دوران 16 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ عرفان عباسی، 24 نیوز کراچی۔ ابھی وقت ہوا ہے یو آئی کی مجلس عاملہ نے اہم فیصلہ کر لیا ہے، 27 اکتوبر کو آزادی مارچ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ آزادی مارچ 3 دن سڑکوں پر رہے گا، 31 اکتوبر کو مارچ اسلام آباد داخل ہوگا، جبکہ 31 اکتوبر سے قبل کوئی بھی جلوس اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں جے یو آئی کی مجلس عاملہ نے اہم فیصلہ کر لیا ہے، 27 اکتوبر کو آزادی مارچ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا، جبکہ مارچ 3 دن سڑکوں پر رہے گا اور 31 اکتوبر کو مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ 31 اکتوبر سے قبل کوئی بھی جلوس اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا، جے یو آئی کی مجلس عاملہ بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بھرپور شرکت کی مخالفت کر دی ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا، جس میں جے یو آئی کے احتجاج اور دھرنے میں شرکت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، مشاورت کی گئی۔ اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بھرپور شرکت کی مخالفت کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کا نمائندہ وفد اس احتجاج میں شرکت کرے گا، لیکن دھرنے میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ شہباز شریف کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اہم اجلاس مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا، جس میں جے یو آئی کے احتجاج اور دھرنے میں شرکت کے حوالے سے تمام ممبران سے مشاورت کی گئی، اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بھرپور شرکت کی مخالفت کر دی ہے۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عمر اسلم، کیا فیصلے اس اجلاس میں ہوئے، کیا معلوم ہو سکا؟ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کی جائے یا نہ کی جائے، مختلف نجی رہنماؤں کی آرا جانب گئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کی مخالفت کی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ضرور ہے، لیکن اگر اس دھرنے میں پاکستان مسلم لیگ شمولیت اختیار کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ سارا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو جائے گا۔ ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہماری بات نہیں مانی کہ آگے جلسے کے احتجاج کی تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھا دی جائے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جو رہبر کمیٹی ہے اس نے بھی کہا تھا کہ احتجاج کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ عمر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے، تاجروں اور ایف بی آر ٹیم کے درمیان مذاکرات جو کہ جاری تھے اسلام آباد میں، اس کے بعد تاجر رہنما میڈیا سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تاجر برادری اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہے۔ نے ہمیں کہا ہے کہ جو مرضی ہے جا کر کر لو، آج ہم ایف بی آر کی مذاکراتی ٹیم سے تاجروں کے مذاکرات ہوئے ہیں جو کہ ناکام ہوئے ہیں، اور کچھ دیر بعد مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوگا۔ تمام تاجران اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر، اپنے مطالبات کے حق میں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اپنے تحفظات ختم ہونے تک، دور ہونے تک وہ احتجاج جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم ایف بی آر کی جانب سے مذاکراتی ٹیم آئی تھی، ممبر پالیسی بورڈ ایف بی آر یہاں پر آئے تھے تاجروں سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے جو کہ ناکام رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تاجروں کے یہ مطالبات کس حد تک تسلیم کیے جاتے ہیں، کیا ایف بی آر اپنی پالیسیوں میں کچھ نرمی لا پاتی ہے، کچھ لچک دکھا پاتی ہے، یا تاجروں کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ ٹیم کی مطالبات چیئرمین ایف بی آر تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی سامنے آئی ہے۔